और कहां देखो भगवान को भूख नहीं लग रही, बड़ा हाथ फिराकर बोले मैया अरे कुछ खाने को मिलेगा, बड़ी तेज भूख लग रही है। बोले गोविंद भगवान की। मैया बोली लाला काका गए बाजार, कुछ ना कुछ लाते होंगे, तब तो गुणवत्ता करती हूँ, तुम तो ले फल खाइए। भाग कर गई एक छबरा भर के कदली के फल लाई, केला सामने रख ली माता पात केला के पत्ते, और भगवान को केला छिलके केला को फेंकती जावे, छिलका भगवान को देती जावे। भगवान भूल गए प्रेम में पागल हो गई थी तू, भगवान को ध्यान ही नहीं रहा। हमारे ब्रज में कहते हैं कि प्रेम की रीत रंगीलो जाने, भगवान जानते कि प्रेम कैसे किया जाता, निभाया कैसे जाता। भगवान छिलका खाते रहे, एक दो नहीं 30-40 छिलके भगवान चाट गए, खा गए, वो खिलाती रही। भगवान ने समझाया छिलका खा रहा हूं केला, तब तक काका आ गए लेकर के जो कुछ लाए, मिश्री दही लड्डू कुंदी खटखटाई, सुनती हो? बोले धीरे धीरे बोलो। कुंदी बोली क्या हुआ, तुझको पता नहीं? अरे आज कन्हैया ने तो भरी सभा, मेरा बहुत सम्मान किया, तुझे क्या बताऊं, आज तो कन्हैया ने मेरी सभा में जय जयकार कर दी, मेरे काका के यहाँ का निमंत्रण है। देख मेरे लाला झूठ नहीं बोले, वो जरूर आता होगा, तू जल्दी जल्दी चौक लगा, चटाई बिछा, मेरे श्याम सुंदर आते होंगे, मैं द्वार पर उनके लिए आरती के लिए खड़ा हूँ, उनकी आरती करके यही अंदर लाऊंगा, पहली बार मेरे घर में आ रहे हैं ना मेरे कन्हैया। कितना प्रेम है भगवान के प्रति, अनुराग है, स्नेह है, लगाव है। मैया बोली आने वाले के आ गए घर में, आ गए बोले एक घंटे से बैठे, और जैसे ही भागकर भगवान के पास गए विदुर जी, तो देखा कि प्रभु छिलके खा रहे हैं, रोने लगे। कहने लगे काकी तूने क्या किया सलवा, इस गरीब की कुटिया पर एक बार चाम आए और तू छिलका खिला रही है। तब भगवान को भान आया, बोले एक बार एक गरीब की कुटिया पर प्रभु का आगमन हुआ और तूने छिलके खिला दिए, मेरे प्रभु को तुम छिलका खा रहे हो। भगवान बोले हैं छिलका, तब भगवान को भान हुआ, केले के सब पड़े हुए केले छिलका प्रभु खा रहे। भगवान से बोले प्रभु एक इसमें तो खाइए, भगवान टका लेके बोले अब मुझे भूख ही नहीं है। बोली आनंद कंद भगवान की, बोले मुझे भूख नहीं है। काका बोले नहीं कन्हैया, मैं इतनी मेहनत से लाया हूं ना, एक लड्डू खाओ ना। यूं लड्डू दिया मुंह में, और जो आधा लड्डू भगवान के मुंह में गया आधा छोड़ दिया जबकि काका लो, और हाथ जोड़ के बोले काका एक बात बताऊं। बोले बताओ। कि जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो तुम्हारे इस लड्डू में नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा। केवल भाव, बहुत निवेदन किया प्रभु ने नहीं खाया। एक दिन प्रभु से उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु तुमने तो अनेक अवतार लिए हैं, लेकिन हर जगह तुमको भोजन पवाया जाता है, लेकिन प्रभु सच बताना तुम्हें कहां कहां भोजन अच्छा लगा। तो भगवान ने उद्धव जी को बताया, सुनो उद्धव मुझे दो ही जगह भोजन अच्छा लगा, और बोले श्री राम जी ने भिलनी के जहां बेरों को खाया,